अरे नहीं नहीं, इधर नहीं, उधर उधर। कर दिया। अच्छे से लेके जाओगे ना, हिलाना नहीं, ठीक है? नहीं। शुभ आरुष आज लंच में क्या लेके जा रहा है? गरीब साबुत और चिप्स। और स्नैक्स में क्या लेके जा रहे हो? केला। केला, केला पसंद है आरुष को? हाँ। और ब्रेकफास्ट में क्या खा के आए हो? ब्रेकफास्ट में चूड़ा दही। फेवरेट चूड़ा दही, खाली चूड़ा दही चूड़ा दही। आज तो वैसे मम्मी रोटी बनाई नहीं थी, इसलिए चूड़ा दही दी है ना बेटा? हाँ। दोस्तों आज का व्लॉग भी डेली रूटीन व्लॉग ही है, लेकिन ये सिर्फ डेली रूटीन व्लॉग नहीं है। आज के व्लॉग में मैं आपको सेल्फ ग्रूमिंग के बारे में कुछ बातें बताने वाली हूँ, सेल्फ केयर के बारे में कुछ बातें बताने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव भी होने वाली है। तो अभी से वीडियो को लाइक ज़रूर कर लो, वरना आगे जाके आप भूल जाते हो। लाइक कर लिया करो, लाइक करने से क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस भी आपके लिए लेकर आती रहूँ। तो अभी मैं बस स्टॉप पे आरुष को छोड़कर आई थी, बस स्टॉप पे नहीं, बस पे बिठाने के बाद आई थी। और यहाँ मैं अपने लिए नारियल पानी निकाल रही थी। मैं आने के बाद ना, जब सब चले जाते हैं तो थोड़ा अपना आराम करती हूँ, थोड़ा सा बैठ के, ये बात आप लोग जानते ही हैं। तो नारियल पानी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, हमारे बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो मैं इसे अक्सर पीती हूँ, यूज़ करती हूँ इसको। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे बच्चे भी इसे काफ़ी पसंद करते हैं और आपने वीडियोस में देखा ही है। और दोस्तों आज मैं अपने बाल धोने वाली हूँ और धोने से पहले मैं अपने बालों की ऑयलिंग ज़रूर करती हूँ। ऑयलिंग हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और बिना ऑयलिंग के बाल आप धो के देखो तो एकदम रफ़ एंड ड्राई हो जाते हैं। तो बालों को ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है, ज़रूर कीजिए। अगर हो सके तो उसमें थोड़ा एलोवेरा जेल मिला के भी आप कर सकते हो। अभी तो मैंने एलोवेरा नहीं यूज़ किया है, लेकिन मैं करती हूँ। एलोवेरा का पल्प जो होता है ना, उसका यूज़ करती हूँ मैं, उससे बाल काफ़ी शाइनी और स्मूथ फील होते हैं। ऑयलिंग करने के बाद मैंने घर का सारा काम अपना निपटाया। कम से कम 2-3 घंटे उनको छोड़ दिए थे। वैसे आप ओवरनाइट भी छोड़ो तो काफ़ी सही रहता है बालों के लिए, लेकिन मैं भूल गई थी रात में करना ऑयलिंग, तो मैंने आज किया। और 3 घंटे के बाद मैं नहा कर आई। बालों के बाद अब बारी आती है फेस की। जितने प्यार से हम अपना घर संभालते हैं ना, उतने ही प्यार से हमें अपनी स्किन का भी ख्याल रखना चाहिए। और स्किन का ख्याल जो बेसिक होता है ना, क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, उसके साथ साथ हमें अपने फेस का मसाज ज़रूर करना चाहिए। मसाज इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। स्किन की तरह ही बालों की देखभाल भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना हम अपने फेस का, अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं। बाल धोने के बाद हमें अपने बालों पे सीरम ज़रूर अप्लाई करना चाहिए ताकि हमारे बाल जो है स्मूथ और सिल्की रहे। देखिए, केयर करना खुद, जैसे हम परिवार की केयर करते हैं, वैसे खुद की केयर करने में कोई बुराई नहीं है। मैं ये वाला सीरम यूज़ करती हूँ, लिवॉन। आप चाहें तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। आई एम श्योर बहुत सारी महिलाएं करती हैं, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती। रखिए, ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप अपना ख्याल नहीं रखेंगी तो आपके परिवार का ख्याल फिर कौन रखेगा, है कि नहीं? खुद का ख्याल तो हो गया, बारी है घर के कामों में लगने की। दोपहर का वक्त है, अक्सर मैं कपड़े इस वक्त नहीं फोल्ड करती हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा सोच रही थी कि मुझे एडिटिंग करनी थी अपनी वीडियोस की, तो मैंने सोचा कि पहले अपना काम ख़त्म कर लूँ, उसके बाद मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना भी है, शाम को मुझे वक्त नहीं मिलेगा। बस ये सोच के मैंने दोपहर में ही ये सारे काम निपटा लिए, जो मैं अक्सर शाम को करती हूँ या एकदम सुबह सुबह जब कोई भी अभी उठा नहीं होता। यही दो वक्त है जब मैं कपड़े फोल्ड वगैरह करती हूँ। तो आज मैंने शाम को तो मुझे टाइम मिलता नहीं, तो मैंने सोचा दोपहर में ही कर लेती हूँ। अभी तक मैंने खाना भी नहीं खाया है, सुशील जी आए थे, खाना खाकर वो चले गए हैं, और शुभी अभी सो रहा है, और आरुष तो अभी स्कूल से आया नहीं है। तो दोपहर का मतलब अकेला ये वक्त था मेरा, तो मैंने सोचा कि अपना काम निपटा लेती हूँ। और मेरे बाल भी अभी काफ़ी गीले थे, गीले बालों में मैं क्लचर भी नहीं लगाती हूँ, लेकिन मेरे बार बार सामने आ रहे थे बाल, तो मैंने उसको क्लचर से ऐसे सिक्योर कर लिया था। गीले बालों में गाइस आप भी कभी कंघी मत किया कीजिए, और हो सके तो उनको खुला छोड़ के रखें। मेरा फाइनली हो गया, और ये सुशील जी के कपड़े हैं जो मुझे आयरन करवाने हैं। तो मैंने ये फोल्डिंग का काम तो मेरा हो गया, और एक काम बचा था, 2-3 दिन से ये काम पड़ा हुआ है, मैं इसे इग्नोर करते हुए अभी तक आ रही थी, क्योंकि मुझे वक्त ही नहीं मिल रहा था, मैं क्या करूँ। तो आज मुझे वक्त मिला, अपने पतिदेव के शर्ट में बटनिंग करना था मुझे, बटन टूट गई थी। यार वो फिल्मों में एक ये सीन होता है ना, पति का बटन टूट जाए तो आप उसे टाँकने जाते हो, हमारे लाइफ में तो ऐसा कभी टाइम ही नहीं आता। अगर शर्ट का बटन टूट भी जाए तो उसे अलग से हम लोग लगाते हैं। सुबह के वक्त में किसको टाइम होता है खड़े होके बटन लगाने का, वो रोमांटिक टाइम हमारे लाइफ में तो नहीं आता है बाबा। आपके लाइफ में कभी आया है क्या, बताइएगा मुझे कमेंट में, लेकिन मुझे तो नहीं आता है। उस वक्त बच्चों को भाई तैयार करो, टिफिन पर पैक करो, लंच पैक करो, बस हड़बड़ी रहती है, बटन टाँकने का टाइम नहीं रहता है। वो तो भाई हम फ्री टाइम में ही करते हैं। 2-3 दिन से ये शर्ट पड़ी हुई है, सुशील जी कह भी रहे थे कि पता नहीं कब मेरे शर्ट में बटन लगेगा। तो मैंने आज वो टाइम निकाला और उनकी शर्ट भी ठीक कर दी बटन। दोस्तों आज के ब्लॉग से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल आपके मन में है तो उसे पूछिए, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और इन्फॉर्मेटिव लगे तो शेयर ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर।